नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान। आदर्श सोसाइटी याद है आपको? वही जो करोड़ों का घोटाला कर लोगों की मेहनत का पैसा हजम कर गई। देश में 15,000 करोड़ रुपए का चिटफंड घोटाला करने वाली आदर्श सोसाइटी एक बार फिर से चर्चा में है। इस मामले में अब नया खुलासा हुआ है। हजारों करोड़ की ठगी करने वाले सोसाइटी के मालिक मुकेश मोदी ने 224 करोड़ रुपए के सूट फाड़ डाले। बुक्स में दिखाया तो था कि इतने सूट लेंथ मुंबई से खरीदे और उन्हें एजेंटों को दे दिए, लेकिन हकीकत में ये सूट लेंथ खरीदे ही नहीं गए थे, कागजों में नकद खरीदे, वितरित हुए और फट भी गए। इतना ही नहीं, मुकेश मोदी की पत्नी, बेटी और दामाद ने भी फर्जी फर्म और कमीशन के नाम 718 करोड़ रुपए हड़प लिए। ये राज खुला ईडी मामलों की विशेष अदालत से। कोर्ट ने 2 दिन पहले मोदी समेत 124 लोगों पर संज्ञान लिया है। ऐसे ही एक राज उसकी बेटी को लेकर भी खुला है। वह गुड़गांव में महज 180 वर्ग फीट की एक दुकान में कई फर्जी कंपनियां चला रही थी और उसने भी 448 करोड़ रुपए हड़प लिए। दुकान में 4 कुर्सी, 1 मेज और 1 कंप्यूटर के अलावा कुछ नहीं था। इसके अलावा सोसाइटी से 270 करोड़ का एक्स ग्रेशिया भुगतान कर हड़प लिया गया। गोरख धंधा चलाने के लिए 270 करोड़ की सलाह मोदी ने आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का गोरख धंधा चलाने के लिए एक कंसल्टेंट फर्म बनाई और इसमें वो खुद, उनकी पत्नी और दामाद शामिल थे। इन तीनों के नाम से बिना कोई काम बताए 3 साल में 270 करोड़ रुपए का कमीशन लिया गया, फर्जी कंपनियों में लोन लिया, कंगाल कर इस्तीफा दे दिया। लोगों की गाड़ी कमाई हड़पने के लिए मुकेश मोदी ने रियल एस्टेट की 90 फर्जी कंपनियां बनाई। सोसाइटी से 24% की महंगी दर से लोन लिया क्योंकि चुकाना तो था नहीं, फिर कंपनियों से पैसा निकालकर इस्तीफा दे दिया, कर्मचारी को कंगाल फर्मों का डायरेक्टर बना दिया। इन सभी से निकाले पैसों से जमीनें खरीदी, सोसाइटी को दिखाई ब्याज की एंट्रियां भी फर्जी थी। ना तो कंपनियों ने लोन चुकाया, ना ही सोसाइटी ने वसूली का प्रयास किया। जब इस घोटाले की चार्जशीट पेश की गई तो कई बड़े खुलासे हुए। इसमें सामने आया कि वीरेंद्र मोदी, जो कि वीरू मोदी के नाम से जाना जाता है, उसने अपने भाई मुकेश और भरत के साथ 28 राज्यों में आदर्श सोसाइटी की 806 शाखाएं खोली। इनमें परिवार के 11 लोगों समेत नौकर और ड्राइवर तक को डायरेक्टर बनाया गया। दुगने धन जैसे कई झांसे देकर 20 लाख लोगों से 14,800 करोड़ रुपए हड़पे। निवेशकों के 12,414 करोड़ रुपए तो रिश्तेदारों और नौकरों की सैकड़ों फर्जी कंपनियों में बांटे। एसओजी ने 6 महीने की जांच के बाद मोदी परिवार के 11 के अलावा अन्य 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। बताया जाता है कि जिंदा मवेशियों को मरा बताकर भी लाखों रुपए का क्लेम ये उठा चुके थे। राजस्थान में सबसे पहले सिरोही जिले से ऐसी कई फर्जी सोसाइटी का नेटवर्क शुरू हुआ था। इसकी शुरुआत भी आदर्श सोसाइटी से हुई थी। ये लोग सरकारी और रिटायर्ड लोगों को झांसा दिया करते थे। दावा करते थे कि 3 या 5 साल में जमा रकम ब्याज के साथ डबल कर देंगे और इस दौरान आदर्श सोसाइटी के साथ काम कर रहे कई कर्मचारियों को मोटी कमाई का राज पता चला तो उन्होंने भी सिरोही समेत आसपास के इलाकों में छोटी छोटी सोसाइटी शुरू कर दी। लेकिन जब यह घोटाला सामने आया तो इसके बाद अधिकांश सोसाइटी बंद हो गई और उनका भी फर्जीवाड़ा सामने आ गया। एक रिपोर्ट के अनुसार अकेले सिरोही जिले में 10 से ज्यादा अलग अलग सोसाइटी के खिलाफ 250 से ज्यादा मामले दर्ज हुए। जिन लोगों के साथ ठगी हुई थी वे स्थानीय लोग थे। इनमें से अब भी कई जेल की सजा काट रहे हैं। राजस्थान के सिरोही के टैक्सी ड्राइवर और कैसेट रिकॉर्डिंग करने वाले 2 भाइयों ने 20 लाख इन्वेस्टर को ठगा था। दोनों भाइयों ने आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाकर स्कैम को अंजाम दिया। फर्जी कंपनी बनाकर अपने परिवार वालों को मुकेश अंबानी से भी ज्यादा सैलरी बांटी। 19 साल पुराने इस घोटाले की परतें 3 साल बाद खुली थी। सोसाइटी के आड़ में मोटी रकम कमाकर वीरेंद्र मोदी और मुकेश मोदी ने लाइफस्टाइल बदल ली। छोटे से घर में गुजारा करने वाले मोदी बंधुओं ने गुरुग्राम गुड़गांव में 100 करोड़ की कोठी खरीदी। इसके लिए करोड़ों इन्वेस्टर को झांसा दिया। उनके जमा कराए रुपए से ऐशो आराम करते और विदेश यात्रा तक करते थे। ये भी बताया जाता है कि आए दिन पूरा परिवार विदेश यात्रा पर जाता रहता था। दोस्तों, सीबीसी न्यूज आपके सहयोग से लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वतंत्र पत्रकारिता का सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता और बड़ा आसान है। बस नीचे दिख रहे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाना है ताकि आपको अपने सीबीसी न्यूज के हर अपडेट्स मिल सके। हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें, वहां पर भी आपको मिलती है तरह तरह के अपडेट्स। हम पूरे राजस्थान से आपके लिए लाते हैं वो खास खबरें जो आपके लिए जरूरी है और वो भी पूरी बेबाक
गुस्ताखी के साथ। पत्रकारिता के इस मुश्किल दौर में आपकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है और ये आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। हमारा सहयोग करें, स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना योगदान दें और ज्वाइन बटन पर जाकर सदस्यता लें, चाहे सबसे छोटी सहायता के रूप में ही क्यों ना हो। जनता की बेबाक आवाज बने रहें, उसके लिए सहयोग आपको ही करना है। सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सदस्यता ग्रहण कीजिए।